अल्लाम वर्का तमाम दोस्तों का आसान हमारे सबके लिए मैं तेज से इस्तेवाल करता हूँ मैं आपका दो शेर शाह हादिरत और की खिदमत में जुम्मत उलि का खास अमल लेकर हाजिर जी हाँ दोस्तों जैसे ही रमजान शरीफ शुरू भी हुआ और इसे ही खत्म भी हो रहा है जिस तरह से इबादतें हमारी होनी चाहिए थे नहीं हुई अल्लाह तमाम हम मुसलमानों की, मुमिन, की मुस्लिम मुसलमान की जितने भी जो भी इबादतें किए हैं तमाम सबकी इबादत वबुल फरमाए और हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों की फरमाए जाने जानों की मालों की अल्लाह उनकी हफाजत फरमाए गरमाए खास हमारे जुम्मत उविदा का बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर है भाई बहन जिन्होंने माशाला यह दरखास्त की हमें सलातुल तस्वीर की नमाज का तरीका बताया जाए रिसा मुबारा के सरकार दोल्ला ने रमा तस्वीर, हर रोज एक मरतबा या हफ्ते में एक बार पढ़े या महीने में एक बार पढ़े या साल में एक बार पढ़े या उम्र में एक बार तो पढ़ना चाहिए मुसलमान को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अगर आप रोज भी पढ़ते हैं तो हर रोज पढ़ते हैं या किसी हाजत के लिए पढ़ते हैं तो भी माशाल्लाह बहुत फायदा मंद है लेकिन उम्र में एक बार तो पढ़ना चाहिए खास दिन जो होता है जब विदा है रमजान मुबारक विदा की बहुत सारी नमाज है माशा फजलतें बहुत सारी लेकिन मैं समझता हूँ माशाल्लाह के हम सलाद तस्वी का अगर अहतमाम करते हैं बाद नमाजर पढ़ना अफजल है लेकिन आप शाह के बाद भी पढ़ सकते हैं जब भी चाहे आप माशाला पढ़े या सुबह भी पढ़े रात भी पढ़े तो अल्लाह तला से अपने किसी मकसद के लिए खास मकसद के लिए भी दुआ कर सकते हैं हादसा मुबारक इसकी फजलतें ये है कि बंदा जानबूझ जो गुना क्या है अनजाने में क्या है अंधेरे में क्या है उजाले में क्या है उसके अगले गुना उसके पिछले गुना जान बुझ कर किया ना जान कर किया, में किया जितने सारे इसने गुना जो भी इसके, तमाम गुना बख्त जाएंगे इसकी मकफत हो जाएगी जिस मकसद के लिए बंदा बंदाकर रमजान मुबारा का इतना बाबरकत महीना है तो दोस्तों इसमें अगर जुमेदुलवि की माशा नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारी इसकी फजिलत पढ़ने का तरीका फौरी मैं आपको बता रहा हूँ और इनशाला तीन कुछ प्रैक्टिकल तरीके से भी बताऊंगा की इनशा नमाज में किस तरीके पे आसान से हमारे जो सब्सक्राइबर भाई बहन है जो माशा इनको जो समझ में नहीं आता है वो भी समझ जाए तो नमाज का तरीका ये है कि आप आपके आप जा रखा नफिल नमाज की नीयत करेंगे सलात व तजवी की नमाज पढ़ता हूँ नमाज की आप नीयत करते हैं इसी तरह से इस नमाज की भी नीयत करेंगे नफिल नमाज की याद रखें दोस्तों जोहर के बाद या जोहर में पढ़ना माशा बहुत अफजल है अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अफजल है अगर नहीं शाम में पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं कोई मसला नहीं है मैं समझता हूँ आप जितना चाहे माशा अगर इसको रोज भी की में पढ़ लेंगे मकसद के लिए अपने हज़त के लिए भी दुआ कर लेंगे तो अभी ताला आपकी हज़तें पूरी फरमाएगा नमाज का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जैसा दोस्तों आप नीयत करेंगे उसके बाद नमाज की रकात बांध लेंगे रकात बांधने के बाद सना पढ़ेंगे सना पढ़ने के बाद पंद्रह मरतबा आपको ये तस्वीर पढ़ना है। स्क्रीन पर देख अकबर उसके बाद आप सूर्य फातिहा पढ़ेंगे उसके बाद कोई भी सूरत पढ़ेंगे जैसे कि आप हमेशा नमाज में पढ़ते हैं उसके बाद दस मरतबा आपको फिर वही पढ़ना है सुबह अल्लाह ला वाह अकबर दस मरतबा पढ़ेंगे फिर रुकू में जाएंगे रुकू की तस्वीर पढ़ेंगे सुबह अजीम उसके बाद दस मरतबा फिर पढ़ेंगे उसके बाद रुकू के बाद ख़्वा में आप खड़ेंगे तो दस मरतबा फिर आपको पढ़ना है सुबह अल्लाह वल्हदिल्ला वाला अकबर उसके बाद सजदे में जाएंगे सजदे में सजदे की तस्वीर पढ़ेंगे सुबह रबी आला सुबह रबाल जितना आप तीन मरतबा सात ग्यारह जितना भी पढ़ते हैं उसके बाद दस मरतबा इसको पढ़ेंगे सुबह अल्लाम अकमर सजदे से उठने के बाद जलसा में जैसा आप बैठेंगे तो फिर दस मरतबा आपको पढ़ना है सुबह अल्लाद वह अकबर फिर सजदे में जाएंगे सजदे में सजे का जो जिक्र होता है सुबह लाला जो पढ़े उसके बाद आप जितना भी आप पढ़ेंगे उसके बाद फिर दस मरतबा सुबहन लाहदिल्हन दस मरतबा फिर दूसरी रकात में सूर्य फातह पढ़ने से पहले फिर पंद्रह मरतबा जो है आप सुबह अल्लाम पढ़ेंगे इस तरह से फिर आप रकात सूर्य फातह पढ़ेंगे सूर्य फातह के बाद फिर दस मरतबा पढ़ेंगे वही सारा कुछ माशाला तरीका होगा याद रखिएगा एक रकात में पचहत्तर मरतबा पढ़ी जाएगी चार रकात में थ्री हंड्रेड हो जाएंगे तो इस तरह से आपको सलाद तस्वीर पढ़ना है दोस्तों ये तरीका नमाज का जहाँ तक मैं माशाल्लाह जानता हूँ आपको बताने की कोशिश की है तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जिस तरह हमने नमाज का तरीक़ा भी बताया आपको इस तरह से आप इस वलसा जिस वो हो है खौमा किसे कहते हैं और तजदी किस तरह पढ़ेंगे आप इशारतन आपको समझने के लिए भी तरीका बताया है अगर मेरे बताने में कोई गलती है तो अल्लाह सला मुझे माफ फरमा और नमाज होने के बाद दोस्तों आप जो है नरोजा शरीफ को सौ मरतबा अस्तमीम अस्त सौ मरतबा पढ़े पढ़ के सजद में अल्लाह के लिए अपने लिए दुआ करें तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें आपके दोस्त आपके भाई शेख रशी शाह खादरी के लिए भी दुआ करें हमारे चैनल के लिए भी दुआ करें सभी की अल्लाह तफरत फरमाए रमजान सब की कस्मतें नसीबें बुलंद फरमाएँ सबकी हाजतें पूरी हों जो निका नहीं है अल्लाह ताला उनके निका के नेक जुड़े हो जो औलाद नहीं उनको निक साले औलाद हो जो जादू से मियाँ बी परेशान बिछड़े हुए हैं दूर हैं बच्चों से औलादों से माँ बाप से जो भी कारोबार की परेशानी है तंगती है जितनी भी सबकी जो परेशानी अल्लाह तूर फरमाए तमाम की हाजतें जायज़ मकसदें पूरी फरमाएँ इसी दुआ के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अपना ख्याल रखेगा असलवालबरक